हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अभी आपने इलेक्ट्रॉन डॉटो स्ट्रक्चर सीखा, कार्बन की टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी के बारे में देखा, कैटेनेशन देखा। तो आज हम शुरू करेंगे कार्बन कंपाउंड में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपने कहीं कहीं फॉर्मूला देखा होगा CnH2n+2 क्या होता है, नंबर एन बराबर होता है नेचुरल नंबर, नंबर कार्बन आइटम। ये सारी चीजें हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ लिख दिया है। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आती है, अगर ये लर्न करते हो तब तो ये वीडियो देखो। अगर CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n-2 अगर ये सारी चीजों को आप लर्न करते हो या समझते ही नहीं हो तब तो ये वीडियो देखो। लेकिन आप ऑलरेडी फैमिलियर हो तो लीव दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको नोमेनक्लेचर बताएंगे, उसको आप देख लेना, सब्स्टिट्यूएंट्स और अल्कोहलिक ग्रुप के रिगार्डिंग। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमारा और आपका अपना चैनल फ्री लर्नर, मेरा नाम प्रभात रंजन, ठीक। अब हम शुरू कर रहे हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले अगर कहीं पे हमें एक कार्बन दिखे तो उसको हम मेथ बोलते हैं, अगर कहीं पे हमें दो कार्बन दिखे तो उसे हम एथ बोलते हैं, अगर तीन कार्बन दिख जाए तो उसे हम प्रॉप बोलते हैं, अगर चार कार्बन दिख जाए तो उसे हम ब्यूट बोलते हैं, अगर पांच कार्बन दिख जाए तो उसे हम पेंट बोलते हैं। वेरी गुड, जानते हो तो आगे बढ़ो, वीडियो को आगे बढ़ाओ। छह कार्बन देखा है तो उसे हम हेक्स बोलते हैं, नहीं जानते हो तो रुक के नोट डाउन करो, पेज निकालो, वो आपके डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस में यही तो फायदा है कि हम जब चाहे जिस टॉपिक को जब चाहे पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हैं और लिख सकते हैं, तो इसका फायदा उठाएंगे। और उसका फायदा कौन उठाएगा, जो अभी के बच्चे हैं, ठीक। क्योंकि हमेशा इस बच्चे अब तो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पहले इतना सारा सुविधा नहीं था, तो क्लासेस जहां जाते हैं वहां तो जाते रहेंगे, साथ ही साथ यहां से अगर कुछ सीखने को मिल जाता है तो सीख लेंगे। हमारा ही चैनल है, बहुत सारे चैनल है, जहां से आप कंफर्टेबल फील कर सकते हो वहां से देख सकते हो। हम अपनी एक ट्राई कर रहे हैं कि हम बच्चों को कैसा दे पा रहे हैं, क्या आप हमारी बातें समझ पा रहे हो, हमारे अंदर कुछ है जो हम दुनिया को देना चाहते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखो, नहीं अच्छा लगता कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बहुत खुश होंगे, हम कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत बुरा लगता है, जैसे हमने कुछ वीडियो बनाई थी अल्फा बीटा एंड गामा फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बहुत शुरू में कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसमें थोड़े बच्चे भी थे, पढ़ाने की टेक्निक उतनी अच्छी नहीं थी, पढ़ा तो लेते थे लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की टेक्निक नहीं थी। धीरे धीरे अपने आपको इम्प्रूव किया, प्रैक्टिस की, शायद अब आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। चलिए बिना बकवास किए हुए, सेवन कार्बन को हम हेप्ट बोलते हैं, एक कार्बन को हम ऑक्ट बोलते हैं, नाइन कार्बन को हम नॉन बोलते हैं, और टेन कार्बन को हम, यहां पर दिख रहा है आपको, डेक बोलते हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो हम ओरली बोल भी रहे हैं। एक कार्बन को मेथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन, टेन को डेक। आपको ऐसे छह सात तक काम चल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम अगर दस तक जाता है तो ये हम बोलते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक। अब इधर है हमारे पास सबसे पहला अल्केन की बात करते हैं, ठीक। तो देखो, अल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी किसमें सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। कैसे पता चलेगा, देखो तो अल्कीन का मतलब होता है क्या, यह है ईन है, यहां क्या है एन है, ठीक। तो इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या होता है वो धीरे धीरे आप सीखोगे, ठीक। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अगर कहीं पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है उसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो अल्कीन है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड अगर कहीं दिख जाए तो वो अल्कीन बिल्कुल नहीं है। कहां पे डबल बॉन्ड होनी चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में, यहां पे ईन, यहां पे एन और यहां पे अल्काइन आइन, तो यानी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, किसी और के साथ बिल्कुल नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में। देखो अभी हम एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे। तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड, पहले हम अल्केन की बात करते हैं। मान लेते बहुत सारे कार्बन लगा दिए हमने, एक दो तीन चार, पहला केस में। दूसरा केस में मान लो हमने एक दो तीन, अच्छा हो तो छह सात लगा सकते हो। तीसरा केस में मान लो एक कार्बन डाल दिया। चौथा केस में मान लो एक दो कार्बन डाल दिया।
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड डाल दिया। अब जो भी जगह बच जाता है, कार्बन को कितने चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, चार हाइड्रोजन चाहिए एटलीस्ट, नहीं तो चार बॉन्ड चाहिए हमें। तो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी कार्बन के साथ साझा कर चुका है, मतलब बना चुका है, यानी तीन हाइड्रोजन अगर हम डाल दें, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, तो ये देखो तो एक दो तीन चार बॉन्ड बन गया। यानी चार बॉन्ड का मतलब क्या है, यहां पे क्रॉस क्रॉस याद करो, यहां पे क्रॉस डॉट, यहां पे क्रॉस डॉट, यहां पे क्रॉस डॉट, ये इससे लेता था, ये इससे लेता था, ये इससे लेता था, और ये पूरा इससे लेता था। वीडियो में पिछले वीडियो में आपको बताया, तो ऑलरेडी आप फैमिलियर हो, अगर आपने नहीं देखा है तो आप सर्च कर सकते हो कार्बोनेस कंपाउंड पार्ट वन बाय फ्रीडर। ठीक, तो अभी हम सीधा बात करते हैं। तो चार कार्बन, एक दो तीन चार चाहिए, इसको वैलेंसी चार डाल दिया, इसको कितने हैं, एक और दो। आगे पीछे भी ध्यान देना है कि कार्बन के साथ भी इन्होंने बनाया है या नहीं बनाया है। तो एक दो, तो कितने बचे, एक दो, यहां कितने हैं, एक दो, तो कितने बचे, एक दो, यहां कितने, एक, तो कितने बचे, एक दो तीन। जो भी जगह है वहां पर हाइड्रोजन डाल दो, डालते चले गए, डाल दिया, वेरी गुड। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, चार को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, लिख दिया कोई दिक्कत, इसमें ब्यूट लिख दिया। अब सारे कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में हम सफिक्स यूज करते हैं एन, कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, एन, ए एन ई, लास्ट थर्ड लेटर, थ्री लेटर, नॉट थर्ड, लास्ट थ्री लेटर। तो सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी वो अल्केन का है, और अल्केन का सफिक्स हम यूज करते हैं एन, तो इसको बोल सकते हैं ब्यूट एन, यानी ब्यूटेन नाम हो गया, कोई दिक्कत। अब दूसरे में आओ, मान लो इसको एक दो तीन चाहिए क्योंकि एक ऑलरेडी है, यहां एक दो चाहिए क्योंकि एक और दो ऑलरेडी है, यहां एक है तो एक दो तीन चाहिए, यहां पे हाइड्रोजन, 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 और यहां पे हाइड्रोजन। अब देखो कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन को क्या बोलते हैं, प्रॉप, लिख दिया प्रॉप। कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, सिंगल बॉन्ड में सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन, तो प्रो, समझ गए बात को। उसी तरह डबल बॉन्ड जब हम आएंगे तो उसमें हम सफिक्स यूज करते हैं लास्ट थ्री लेटर, बताओ जल्दी से। अगर बोल रहे हो आपने बोला इन, तो आप बिल्कुल सही हो। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या करते हैं सफिक्स यूज, तो आप बोल चुके हो आप, आई नो डेट। सर आप सुन नहीं पा रहे, कोई नहीं, हम समझ पा रहे हैं आपके दिल की बात को, कि आपको बातें समझ में आ रही है। तो अभी हम तो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम एन का बात देख रहे हैं, सफिक्स, तो प्रोपेन। यहां पे कार्बन एक है, कितने हाइड्रोजन चाहिए, एक दो तीन चार, क्यों, क्योंकि एक यहां मिल जा रहा था इसको कार्बन से, यहां तो नहीं मिल रहा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये कितने कार्बन है, एक, एक को क्या बोलते हैं, मेथ। कितने बॉन्ड है कार्बन, एक कार्बन है तो कोई बॉन्ड होगा, कोई बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में तो कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा, सिंगल है, एन, मीथेन, देख रहे हो कितना इजी है नाम। यहां पे कितने कार्बन, एक दो तीन, क्योंकि एक ऑलरेडी यहां बना चुका है, तो यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, इसके पास एक है तो ये भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन लिया। अब इसके पास कितने कार्बन है, दो, एथ, क्या है कार्बन कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड, एन, इथेन, वेरी गुड, यहां तक समझ में आया। अब देखो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था CnH2n+2, क्या मतलब है इसका, देखो यहां पर कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, यानी C4, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एच 10 है। यहां पे देखो कितने कार्बन है, एक दो तीन, हाइड्रोजन कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एच 8। यहां पे कितने कार्बन है, एक, कितने हाइड्रोजन है, एच 4, एक हाइड्रोजन, सॉरी एक कार्बन, चार हाइड्रोजन, देखो एक दो तीन चार, इसमें देखो कितने कार्बन है, दो हाइड्रोजन, कितने, एक दो तीन चार पांच छ। अगर हम इन सबको कोरिलेट करें, C4H10 को, C3H8 को, CH4 को और C2H6 को, और हम बोले कि अल्केन को हम CnH2n, अल्केन को अगर हम CnH2n+2 लिखते हैं तो कोई दिक्कत है, क्या मतलब है इसका सर। देखो तो कार्बन चार था,
तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 4 + 2, तो C4H 4 × 8 + 2 = 10। समझ रहे हो बात को, फिर से देखो अगर नहीं समझ रहे हो तो। हमने फॉर्मूला लिखा है अल्केन का CnH2n+2, यानी कार्बन जितना हाइड्रोजन उतना। इसे नोट डाउन किया, बीच वाले को नोट डाउन करो, ये साइड वाला तो भी रहने देंगे, सबके लिए इसी पे समझाएंगे। नोट डाउन किया, चलो अब हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं और तब जाके, सॉरी पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं अपने मन से और तब जाके स्ट्रक्चर बना के आपको देखेंगे कि वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने लिख दिया CnH2n+2, अभी अगर फॉर्मूला बनाया है कैसे कैसे देखो, अब देखना जितना भी हमने लिखा है पीछे पेज पलट के आप देखना वो सेम मिलेगा। अगर हम अभी हमने C3 डाला था, डालो C3, तो H कितनी होनी चाहिए, 3 × n, क्या है 3, सॉरी 2n है, तो 2 × 3 + 2। देखो कार्बन को 3 डाला तो यहां पे n की जगह 3 डाल दिया प्लस 2, तो C3H 3 × 3 = 6 + 2 = 8। देखो बना के 1, 2, 3 कार्बन, क्योंकि C3H8 अल्केन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो 1, 2, 3 हाइड्रोजन, कैसे, क्योंकि एक ऑलरेडी यहां है तो 4 चाहिए कार्बन को, तो 3 लिया। यहां पे 1, 2 है, कितना चाहिए, 2 लिया। यहां कितना, 1 है, तो 1, 2, 3। देखो तो कार्बन C3H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ में आया, देखो बात को कैसे फॉर्मूला कोरिलेट होते चला गया। यानी हम डायरेक्ट, हमने पहले पेज में आपने देखा होगा जिसको हमने इरेज किया, कि पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया उससे फॉर्मूला को डिराइव किया। तो यानी अगर हमें अल्केन ग्रुप पता चल जाए तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट बोल सकते हैं CnH2n+2। डायरेक्ट हम देख लेंगे कि हाइड्रोजन, अगर हमने आप डायरेक्ट पूछ दिया सी अगर 5 है तो एच कितना होगा, 5 × 10 + 2 = 12। सी अगर 6 है तो एच कितना होगा, 6 × 12 + 2 = 14। लॉजिक समझ रहे हो, यानी इसका दोगुना करके 2 जोड़ दो। अगर C8 है तो H कितना होगा, 8 × 16 + 2 = 18। दैट्स लाइक अ गुड बॉय, समझ में आया। तो ये हमारा अल्केन का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप इसमें किसी को क्रॉस चेक करना चाहते हो, चलो C8H18 को क्रॉस चेक करते हैं कि सही है या नहीं। हमने लिख तो दिया है, तो देखो तो C8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गाना मत बनाने लगो, 9, 2, 11। यहां पे 1, 2, 3 हाइड्रोजन आएगा क्योंकि एक ही जुड़ा है। यहां पे 1, 2 आएगा, यहां पे 1, 2 आएगा, कैसे समझ रहे हो ना, 1, 2 ऑलरेडी कार्बन के साथ है। यहां 1, 2 आएगा, यहां 1, 2 आएगा, यहां 1, 2 आएगा, यहां भी 1, 2 आएगा, यहां 1, 2, 3 आएगा क्योंकि एक ही ऑलरेडी कार्बन के पास बॉन्ड है। देखो तो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखो सही है, तो जिसको भी चाहो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो यानी आप पहले स्ट्रक्चर बना के उसको देख सकते थे और उसको देख के भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो आपको इससे कैसे पता चलेगा कि सर डबल बॉन्ड डालना है, ट्रिपल बॉन्ड डालना है, तो वो नाम पे अगर दे दिया गया हमारे पास, मान लो मीथेन प्रोपेन एन दे दिया गया, ये वाली पार्ट तो हम समझ जाएंगे कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक, पक्का समझ में आया, कि और ज्यादा एलिबरेट करें, लंबा खींच जाएगा, इजी चीज है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अल्कीन की। तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n। तो पहले हम फॉर्मूला लाते हैं, बात नहीं करते हैं फॉर्मूला, हम पहले फॉर्मूला को लाने की कोशिश करते हैं। सर लिख लिया था ना आपने, पीछे करके पॉज करके लिख लेना। ठीक, तो देखो अब अगर हम अल्कीन की बात करें तो कितना भी कार्बन डालते हैं कहीं पे एक हमें क्या डालना है, डबल बॉन्ड। क्या डालना है, डबल बॉन्ड। तो कहीं भी मान लो यहां पर डाल दिया, ठीक, मान लो एक जगह और बनाए, 1, 2, 3, 4 कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड डालना, मान लो यहां डाल दिया, जहां मानो एक ही जगह, एक स्ट्रक्चर में एक ही जगह, अभी क्लास 10th में है, ज्यादा नहीं जाना है, कोई डाउट। अगर एक कार्बन लिखे तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका जो है वो अल्कीन ग्रुप में लाई करता है, कहां है दूसरा कार्बन, कहां है जहां पे डबल बॉन्ड दिखाओगे आप, यानी एक लिखोगे तो ये हमेशा एच 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 और एच ही बनाएगा, यानी ये हमेशा अल्केन के लिए ही पॉसिबल है, इसलिए हमने सिर्फ मीथेन जानते हैं, मीथीन मिथाइन कभी सुना नहीं हमने,
आई बात समझ में। तो एक कार्बन यानी मीथेन सिर्फ अल्केन में पाया जाएगा, अल्कीन और अल्काइन दोनों में नहीं पाया जाएगा। समझ में आई बात? ठीक, अच्छे से समझ में आ रही है ना कि कंफ्यूज कर रहे हो? क्योंकि टॉपिक इजी है लेकिन थोड़ा अच्छे से समझाएंगे तो बातें पकड़ पाओगे आप, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा लंबा एलोब्रेट करें। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप जल्दी जल्दी फास्ट करके, मोड आता है यूट्यूब पे फास्ट करके देख सकते हो। तो एक कार्बन वाला तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपने नोट डाउन किया होगा। अब हम डायरेक्टली ओरली बोलेंगे, यहाँ पे हम अल्केन का अल्केन के सारे नाम लिख के दिखाएंगे कि मेथ वाले को मीथेन, एथ वाले को इथेन, अल्कीन वाले में इथीन कैसे बोलते हैं ये आप जानते हो ऑलरेडी। इरेज करें पक्का, लिख लो इसे। अब डायरेक्ट हम अगर यूज करेंगे पांच कार्बन होगा तो पेंट, तो आप समझ जाओगे। अगर नहीं समझोगे तो अपनी नोटबुक में जो नोट डाउन किया है उससे देख के समझ जाओ। मान लो एक दो दे दिया यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखो तो यहाँ एक दो तीन चाहिए, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक दो तीन इसके पास है, इस कार्बन के आगे दो पीछे एक तीन है, तो सिर्फ एक ही लेगा। यहाँ पे दो है तो कितना लेगा, एक दो लेगा, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो एक है तो एक दो तीन लेगा, यहाँ पे कितना है एक दो तीन है तो ये सिर्फ एक लेगा, इसके पास भी एक दो तीन है तो ये सिर्फ एक लेगा। ऐसा नहीं कि ये इससे जुड़ गया तो इसमें नहीं जाएगा, सब एक दूसरे से शेयर करता है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बताया, तो इसके आगे पीछे क्या है उसके अलावा लगाएंगे। यहाँ पे एक है आगे कुछ नहीं है तो एक दो तीन लेगा, समझ में आया? इसमें देखो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या है हमारे पास, दो है तो एक दो, यहां भी दो है तो एक दो, एच 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 एच। देखो तो यहां पे ये जो कार्बन है इसके स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, एक दो तीन, कितने कार्बन, तीन। तीन को क्या बोलते हैं, प्रॉप। और क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या यूज करते हैं, ईन, तो नाम क्या हो गया, प्रोपीन। इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, चार को क्या बोलते हैं, ब्यूट। लेकिन डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे है, ठीक। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर से नाम लिखे तो नाम बदल जाएगा, ये हम आपको नोमेनक्लेचर में समझाएंगे के लिए। लेकिन अगर इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख ले, एक दो तीन चार, और हाइड्रोजन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो हम बोल सकते हैं कि ये ब्यूटीन है। लेकिन स्ट्रक्चर से नहीं बोल सकते हैं कि ये ब्यूटीन है, स्ट्रक्चर से हमें बोलना होगा ब्यूट टू इन है, क्योंकि दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम आपको नोमेनक्लेचर में करेंगे, अभी सिर्फ आप बेसिक बातें समझ लो। यानी सी फोर एच एट को हम ब्यूटीन बोलते हैं, और ये क्या है, एक दो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दो को क्या बोलते हैं, एथ, तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन इथीन, ठीक। अभी आप इसको ब्यूटीन समझ के चलो। देखो तो यहां पे कार्बन दो है तो हाइड्रोजन कितने, एक दो तीन चार है। यहां पे कार्बन एक दो तीन चार तो हाइड्रोजन कितने, आठ है, चार दो आठ डबल हो रहा है। यहां पे एक दो तीन कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने, एक दो तीन चार पांच छ है। यानी इसमें हम कह सकते हैं अगर सी एन है तो एच डबल है, उसमें डबल प्लस टू हो रहा था, इसमें सिर्फ क्या है डबल है। अगर सी सिक्स बोले तो एच कितना है, ट्वेल्व। सी एट बोले तो एच कितना है, सिक्सटीन। सी नाइन बोले तो एच कितना है, एटीन। सी टेन बोले तो एच कितना है, ट्वेंटी। किसी को भी क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसे नोट डाउन किया, इरेज करो। ये कंफ्यूज बिल्कुल मत करना कि सर आपने क्या कंफ्यूजन कर दिया कि इसको ब्यूटीन नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे, सब क्लियर होगा, डोंट वरी। आप अभी सिर्फ समझो कि अल्कीन वाले डबल बॉन्ड होते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है CnH2n, अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं अल्केन वाले होते हैं तो उसका फॉर्मूला बनता है CnH2n प्लस टू, इसका बनता है CnH2n सिर्फ। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास CnH2n माइनस टू, यहां पे प्लस टू और अल्काइन वाले में माइनस टू, और यहां पे सीधा CnH2n टू नहीं होगा, ठीक। ये कैसे आएगा वो भी समझाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर से हमने ये समझा कि CnH2n कैसे बनता है। किसी को क्रॉस चेक करना है, नाइन का चलो चेक कर लेते हैं कि सही हमने बनाया है या नहीं बनाया है। अगर हम नाइन का देखें तो क्या है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, सॉरी तो हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया ना, तो कहीं एक जगह डबल बॉन्ड देना होगा, मान लेते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देते, तो यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा एक, और यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा एक, क्योंकि हमने किसका ट्राई कर रहे हैं,
अल्कीन का ना, माय मिस्टेक, हमने जल्दीबाजी में सिंगल बॉन्ड लिख दिया, ठीक अल्कीन का ट्राई कर रहा है, तो अल्कीन में कहीं एक जगह डबल बॉन्ड देना होता है, यहां दो यहां दो या यहां से हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। सी नाइन, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नाइन। अब कहीं पे भी डबल बॉन्ड दे दो, जहां मन यहां दे दिया आपने, तो देखो तो एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन है तो एक एक, एक दो तीन है तो एक, एक दो है तो एक दो, एक दो एक दो एक दो तीन, तीन दो पांच दो सात दो नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह हो गया। जैसा कि हमने पिछले वाले में क्या किया था कि डबल बॉन्ड यहां दे दिया था, तो अब इससे एक हाइड्रोजन हट जाएगा, पिछले वाले में हमने गलती से सिंगल बॉन्ड कर दिया, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, क्योंकि एक दो है तो दो लगेगा, यहां एक दो तीन है तो एक लगेगा, आई बात समझ में। और उसके बाद नॉर्मल लगेगा यहां पर, फिर अब ये डबल बॉन्ड हट के यहां हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी हमने आपको बताया कि डबल बॉन्ड किसी एक जगह ही लगाना है, क्रॉस चेक समझना है। जैसे मान लो सी सिक्स का करते हो, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा लो, यहां लगा दिया मान लो, ठीक, तो यहां पे एक दो तीन चार पांच, यहां पे एक दो तीन है तो यहां एक ही आएगा, तीन इधर था दो इधर छह हो गया, यहां एक दो तीन था तो एक ही लगेगा, सात हो गया, और एक दो नौ दस ग्यारह बारह सी सिक्स H2L आगे, यानी ये सही हो रहा है, ये डॉइस देने का मतलब ये हाइड्रोजन है, समझ गए हाइड्रोजन लगाना। तो हमने देखा कि अल्कीन सिंगल बॉन्ड होता है, अल्केन उसमें एन सफिक्स यूज करते हैं, और अल्कीन डबल बॉन्ड होता है जिसमें एन सफिक्स यूज करते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन का भी नाम लिखते हैं, जो आपको हम नोमेनक्लेचर में बताएंगे, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कैसे बनाते हैं डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, उसके साथ कोई ऑक्सीजन लगा है या कुछ भी लगा है तो उससे नहीं होगा, और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, इसका हम आयन यूज करते हैं, इसका CnH2n+2 होता है, क्यों होता है पहले हमने स्ट्रक्चर से समझाया, इसका CnH2n होता है, क्यों होता है स्ट्रक्चर से समझाया, अब हम समझाने जा रहे हैं CnH2n-2 क्यों होता है, समझ में आ गई होगी बात। जैसे आप देखो, अगर हम अल्काइन का बात करें तो क्या है हमारे पास, एक दो तीन चार कार्बन, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मान लो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया तो तीन ऑलरेडी है, तो एक इसके पास एक दो तीन चार है, तो ये तो बिल्कुल नहीं लेगा, एक दो है तो एक दो तीन, कोई दिक्कत, इसको क्या लिख सकते हो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहां क्यों नहीं लिखा हाइड्रोजन, ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, फिर क्या हो गया, सी एक दो तीन चार एच, एक दो तीन चार पांच छ, देखो तो चार दो ना आठ माइनस दो छ हो गए, अगर मान लो थ्री का लिखते हैं, एक दो तीन, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दे दिया तो यहां पे तीन है तो एक, यहां पे चार है कुछ नहीं, यहां पे एक दो तीन, तो ये कितने हो गए, देखो एक दो तीन था तो एक दिया, यहां एक दो तीन चार था तो एक भी नहीं दिया, यहां पे एक था तो तीन दिया, तो सी थ्री एच फोर हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, सी एन एच टू एन माइनस टू, देखो तो तीन दूना छह माइनस दो चार, चार दूना आठ माइनस दो छह, अगर हम एक सी का बनाए तो इसमें भी मिथेन लाई नहीं करेगा, क्योंकि सी में ट्रिपल बॉन्ड कहां लगाएंगे, सी और सी के बीच में होना चाहिए, तो एक सी तो लाई नहीं करेगा, इसका फॉर्मूला ये हो गया, अगर हम यहीं पे सी नाइन लिखना चाहे तो एच कितना होगा, नौ दूना अठारह और माइनस दो सोलह, अगर सी एट लिखना चाहे तो एच कितना, आठ दूना सोलह माइनस दो चौदह 14, 8 to 16 minus 2, 14, यहां तक कोई डाउट, तो ये अल्कीन अल्कीन और अल्काइन का था हमारे पास, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, हमने ज्यादा लंबा नहीं खींचा, और चाहो तो समझ सकते हो अल्कीन में ज्यादा ध्यान दिया, धीरे धीरे थोड़ा शॉर्ट करके आपको समझाने की कोशिश की कि आप अच्छे से समझ जाओ, एक बात समझ में आ जाएगी तो दूसरी बात आप अच्छे से पकड़ने लगोगे, यानी हमने ये देखा अभी तक सीखा सिंपल, अभी हम नाम की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, अगर सीधा हम एक कार्बन हो तो सिंगल बॉन्ड हो, अगर एक कार्बन है तो उसे हम मेथ बोलते हैं, दो कार्बन है उसे हम एथ बोलते हैं, तीन कार्बन है उसे हम प्रोप बोलते हैं, चार कार्बन है उसे हम ब्यूट बोलते हैं, पांच कार्बन है उसे हम पेंट बोलते हैं, छह कार्बन है उसे हम हेक्स बोलते हैं, सात कार्बन है उसे हम हेप्ट बोलते हैं, आठ कार्बन है उसे हम ऑक्ट बोलते हैं, नाइन कार्बन है उसे हम नॉन बोलते हैं, और टेन कार्बन है उसे हम डेक बोलते हैं, दिख रहा है तक अच्छे से पक्का। अब देखो अगर ये हमारा सिंगल बॉन्ड है अल्केन है, ये किसके लिए था, कार्बन के लिए, ये अगर अल्केन है तो अल्केन में हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन, तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन इथेन, एन लगता चला जाएगा, प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन
हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन हेक्सेन एन लगाते चले जाओ सब में हेप्ट एन ऑक्ट एन नॉन एन डेक एन अगर यहीं पे हमारे पास अल्कीन है तो ये क्या होता है ये सिंगल बॉन्ड के लिए था यानी नाम से हमें पता चल जाएगा सिंगल है या डबल है सिंगल बॉन्ड के लिए था ये हमारे पास अल्कीन है तो इसमें सफिक्स इन यूज करते हैं और ये हमारे पास डबल बॉन्ड की बात होती है तो और इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया हमने सी एन एच टू एन प्लस टू जो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हमने यहां हटाया भी नहीं है अभी इसका हमने सी एन एच टू एन इसमें क्या लिख सकते हो आप मिथिन होगा बोलो सोचो बिल्कुल नहीं एक कार्बन में कहां डबल बॉन्ड आएगा तो ये होगा ही नहीं तो इसमें ये एग्जिस्ट ही नहीं करता अब यहां से सेम इथीन प्रोपीन ब्यूटीन अगर आपको समझ में आ गया हो तो सबको लिखते चले जाओ पेंटीन ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है अगर हम अल्काइन का बात करें तो उसमें क्या होता है आयन सफिक्स यूज करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है तो इसमें अगर हम मेथ का लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बिल्कुल नहीं क्योंकि एक कार्बन में तो कुछ होगा नहीं अगर हम एथ का लिखना चाहे तो इथाइन प्रोप का प्रोपाइन ब्यूट का ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन हेप्टाइन ऑक्टाइन और नाइन डेकाइन समझ में आई बात तो ये हमारा अल्केन अल्कीन इसे आप एक बार पॉज करने के लिए थोड़ा हम हट जाते हैं ताकि आप देख सको इधर साइड में हमने सब स्ट्रक्चर भी लिख दिया है और आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है अब हमारा लास्ट टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो मिनट ठीक नोट डाउन किया आपने एक दो तीन चार सीधा सा बात समझते हैं कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो छोटा सा टॉपिक है क्या है छोटा सा टॉपिक सैचुरेटेड कहता है कि अगर सैचुरेटेड का मतलब सैचुरेटेड अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें इसका मतलब सिंगल बॉन्ड किसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में यानी कार्बन कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन सिर्फ अल्केन है जो सिंगल बॉन्ड है और अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की तो आप समझ गए होंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड कोई भी हो चलेगा उसे हम बोल देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी इसमें अगर सी एन एच टू एन प्लस टू वाला लॉजिक चलता है यानी सी फोर एच टेन चार दो आठ प्लस दो दस सी थ्री एच तीन दुना छह प्लस दो आठ ऐसा हमें जोड़ के देखना होगा ऐसा है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है स्ट्रक्चर दिया गया तो सीधा पता चल जाएगा सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो सैचुरेटेड लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है तो हमें कैसे पता करना होगा देखना होगा कि डबल प्लस टू है या नहीं और इसमें हमें देखना होगा कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड दैट हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलो समझ में आया या हवा में उड़ गया समझ में आया यानी अगर कहीं पे सी थ्री एच सिक्स हो या सी थ्री एच फिर टू सिक्स माइनस टू फोर हो यानी सी एन एच टू एन वाला लॉजिक लग रहा हो या सी एन एच टू एन माइनस टू वाला लॉजिक लग रहा हो यानी अल्केन और अल्काइन हो तो हम समझ जाएंगे अनसैचुरेटेड है अगर सिर्फ अल्केन हो तो हम समझ जाएंगे सैचुरेटेड है हैंडराइटिंग दिख रही है आपको नहीं कहीं पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है ये आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा हम बिल्कुल आपसे रिव्यू नहीं लेना चाहते हम चाहते हैं कि आप पढ़ो हाँ लेकिन अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो एटलीस्ट कमेंट करके बताओ कि सर बातें समझ में आई अगर नहीं समझ में आती है फिर भी बताओ जैसे अभी तक आप हमें बताते आ रहे हो बाय हैव अ नाइस डे